नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुबे में। तो चलिए, आज ये हमारा गृह प्रवेश का सेकंड पार्ट है। तो चलिए, आज मेरा फ्लैट थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, घर नया वाला, कि कैसा है, अंदर से देखने में कैसा लगता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अभी देखिए कि हमारे घर पूजा पाठ कैसे होता है, कैसे हम लोगों ने मतलब कन्या पूजन किया, कन्या पूजन करके ही हम घर में गए। तो ये अभी हम जा रहे थे, यहीं पर हमने फर्स्ट पार्ट को रोक दिया था और छोटा किया था मैंने, बहुत सारे मतलब वीडियो कट कर दिए थे। और ये हमारे पापा हैं, हमारी सास थी और हमारी माँ थी, और ये हमारी सास और हमारी माँ है। और ये सब देखिए कलश, जो कि कल मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाई थी। तो देख लीजिए कितनी विधि विधान से हमारे तरफ मतलब गृह प्रवेश किया जाता है। आप लोग पूछ रहे थे कि ये आपका घर है, तो हाँ, ये खुद का मेरा, मैंने फ्लैट लिया था, नया फ्लैट, और उसी का हमने पूजा करवाया, गृह प्रवेश करवाया। और यही हमारी ननद है, देखिए नीचे बैठी है। तो कल कुछ मतलब वीडियो में कट कर दी थी, ज़्यादा लंबा हो जाता। और ये हमारी माँ है, तो देखिए सास को हमारी माँ सिंदूर लगा रही है। तो उसी में के कुछ बच्चे वाले जो वीडियोस थे वो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और देखिए हमारी सास को आंचल में, सबसे पहले सास को ही दिया गया, क्योंकि वही पूजा कर रही थी। अपने बड़ों से ही पूजा करवाना ज़्यादा सही माना जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने अपने सास ससुर से ही गृह प्रवेश का पूजा करवाया था। और इस प्रकार से हम लोग पूजा करके अपने घर में मतलब आए थे। तो चलिए थोड़ा सा आप भी देख लीजिए कि आखिर घर अंदर से दिखता कैसा है। ये पंडित जी सारे जितने कलश थे सभी का मतलब अच्छे से विधि विधान से पूजा करके फिर हम लोगों के हाथों में मतलब दिए थे पकड़ के लिए चलने के लिए। और इस कलश को हम लोग को अच्छे से पकड़ कर घर तक लेके जाना था, तो हमने आपको दिखा दिया। वही हमारा सोसाइटी था जो आप लोगों ने फर्स्ट में देखा होगा, और अंदर ही एक मंदिर दिया हुआ है, शिव मंदिर है। इसमें काली माँ की प्रतिमा है, हर भगवान लोग है इस मंदिर में। तो यहीं से हमारा जो है पूजा प्रारंभ हुआ था, और यहीं से हम लोगों ने कलश उठाया और हम अपने घर की तरफ अब जा रहे हैं, जो कि यहीं पे कल मेरा वीडियो स्टॉप में कर दी थी। और देखिए फ्लैट में हम अपने अब आ रहे हैं, लिफ्ट से हम लोग बाहर आ गए हैं, अभी अपने दरवाजे के तरफ आ रहे हैं। तो अभी सामान वगैरह भी रखा है, मतलब काम सब पूरे नहीं हुए थे, कुछ कुछ काम हुए थे नहीं हुए थे। तो ये कन्या पूजन के लिए पंडित जी, नियम है गाय का पूजा करके गाय को दान दक्षिणा दे के फिर हम घर में प्रवेश करते हैं, लेकिन गाय फ्लैट्स में कैसे आएंगी, तो इसलिए पंडित जी ने कहा था कि आप कन्या पूजन भी करके अपने घर में प्रवेश कर सकती हैं। तो इसलिए हमारे सास ससुर जी ने कन्या पूजन किया हुआ था यहाँ पर। तो देखिए कन्या पूजन कैसे हो रहा है, देखने में साक्षात वो कन्या देवी लग रही थी। आप खुद अपनी आंखों से देखिए कि कैसे यहाँ पर पंडित जी सब करवा रहे हैं, यहाँ स्वास्तविक वगैरह बनवा रहे हैं, बहुत नियम मतलब धर्म करके फिर नए घर में हम जाते हैं। तो इस प्रकार से पंडित जी सारे कार्य करवाए थे, बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा हुआ था। देखिए बन के रेडी हो गया। ठीक जाएंगे, स्वास्तविक बनाते कैसे हैं। दोनों तरफ घर के दोनों तरफ कलश रखा हुआ है, नारियल ऊपर रख के, कच्चा वाला नारियल। और ये सभी लोग हम पीछे वेट कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, क्योंकि हमारे तरफ मंगल गीत गाते हैं किसी भी शुभ अवसर पर। और ये ससुर जी हमारी अगरबत्ती वगैरह दिखा रहे हैं डैडी। पंडित जी अपना सारे कार्य कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी कन्या पूजन देखिए कैसे किया जाएगा। बिना कन्या पूजन का जैसे ना घर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो यही है हमारी, ये रही हमारी कन्या। देखिए अब इसका पंडित जी कैसे पूजा वगैरह करवाएंगे। एड्रेस के साइड ला।
आपको देख रहे हो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मतलब आप लोग भी थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को भी मिल जाएगा गृह प्रवेश का कि कैसे किया जाता है। जो कर चुके हैं चलो उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि नए घर का गृह प्रवेश कैसे किया जाता है, क्या थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाएगा आपको। इसको चुन्नी उड़ाया जा रहा है ऊपर से, माता दुर्गा है ये उस रूप में, माता दुर्गा का पूजा करके कन्या का और फिर हम लोग अंदर जाएंगे। ये हार पहनाया जाएगा फूलों का और ये साक्षात दुर्गा जी लग रही थी उस समय पे, एकदम लग रहा था, ना हंस रही थी ना बोल रही थी, एकदम चुप हो गई थी, शौक लग गया था इसको, नर्वस हो गई थी, हंस भी नहीं रही थी, मैं डर गई थी। फिर इसका हम लोगों ने पाव पूजा मतलब दक्षिणा वगैरह दिया। मेरी सासू माँ देखिए नमस्ते कर रही है दक्षिणा दे के, नहीं वो सब सेम साइज होता है। सारे रस्म तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कैसे हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अभी शंखनाद करके फिर हम घर के अंदर अब जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग भी देखिए और बताइएगा कि मेरा फ्लैट कैसा है, घर कैसा लगा आप लोगों को, और इंटीरियर कैसा हुआ है, और जो बाकी है वो मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब जब होम टूर मैं बनाऊंगी तो और भी अच्छे से आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी कैसे इंटीरियर हुआ है। तो अभी आप थोड़ा बहुत झलकियाँ देख लीजिए कैसी झलकियाँ हैं थोड़ा सा घर का, और देखिए हम लोग भी इसको तिलक वगैरह लगाकर नमस्ते कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। सभी लोग इसको बोल रहे थे थोड़ा हंस लो, लेकिन ये बिल्कुल शांत हो गई थी। देखिए अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं घर में भगवान का जय जयकार करके, और सभी लोग अपने अपने हाथों में कलश को पकड़े हुए हैं, गिरे ना संभाल कर। अंदर से कुछ इस प्रकार से है, ये टीवी यूनिट है, और अच्छे से मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगी जब मैं होम टूर कराऊंगी आपको, तो हर रूम का आपको अच्छे से थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो अभी देखिए इसको पूजा रूम में हम लोग लेके जा रहे हैं कन्या को, जो बाकी का पूजा है वो अंदर होगा। और देखिए यहाँ से जैसे इंटर करना है फ्लैट्स के अंदर, और ये टीवी यूनिट साइड में है, और ये हमारा यूट्यूब का जो आप लोगों ने देखा होगा पहले ही, और ये बड़ा सा एक हॉल दिया है, और इधर सू रैक वगैरह बनवाए हैं, और इधर डाइनिंग टेबल वगैरह है, देख ही रहा है आपको पूरा, उधर बालकनी है, एक बड़ा सा बालकनी दिया है, किचन से भी दिया है। वो सब कुछ मैं आपको अच्छे से होम टूर जब करूँगी तो कितने रूम है, कैसा रूम है, कितना बड़ा है, तो मैं सब कुछ दिखाऊंगी, इंटीरियर भी दिखाऊंगी कि अंदर कैसा हुआ है। अभी बहुत सारे कार्य बाकी भी थे, कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त फिर मिलता नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने जितना रेडी था उसी में हम लोगों ने पूजा अर्चना करवा लिया। तो ये हमारा पूजा रूम था, तो यही सब है। देखिए आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे थोड़ा सा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये किचन है जो कि आप लोग मेरे फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं, और इधर देखिए गैस चूल्हा वगैरह रखा है, इधर डिश वाशर रखी थी जो नया मैं ली हूँ, और उसका भी डेमो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसा कार्य करता है, मैं भी अभी फर्स्ट टाइम ली हूँ। और देखिए इस प्रकार से है, बाकी सब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी जब पूरे फर्नीचर के साथ घर पूरा रेडी हो जाएगा। अभी तो घर में ज़्यादा सामान भी नहीं है, खाली खाली है, तब मैं आपके साथ ज़रूर होम टूर बनाकर शेयर करूंगी। और ये देखिए आप घर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले नमस्कार कर लेते हैं अपने चौखट पे, पूजा रूम में इंटर कर रहे हैं सभी लोग, और
शंखनाद हो रहा है, पंडित जी कर रहे हैं। और उसके बाद से जितने पूजा वगैरह है प्रारंभ हुए और ये जितने लोग कलश लिए हैं, पंडित जी ने कलश ले लिया और जितने आचार उन्होंने फूल अक्षत रुपया वगैरह रखा था वो सब पंडित जी को दे देना था। थाली में सभी ने रखने उसके बाद से पूजा हुआ, पूजा के बाद ये आरती हो रहा है, सभी लोग आरती कर रहे हैं और एक एक करके जितने फैमिली मेंबर्स हैं सभी आरती कर रहे हैं। फिर हम लोग किए साथ में पूजा पाठ हो जाता है तो जैसे लगता है घर एकदम शुद्ध हो जाता है, वातावरण ही एकदम शुद्ध और फ्रेश हो जाता है। तो जरूर अपने घर में पूजा पाठ करवाते रहिए, करते रहिए, क्योंकि पूजा पाठ से है ना मुझे लगता है पॉजिटिव एनर्जी भी घर में जैसे लगता है प्रवेश करती है। तो इसलिए हमें हमेशा पूजा पाठ अपने घर में करवाते रहना चाहिए अपने घर के अंदर। और ये हमारी जेठ जी है, ये हमारी जेठानी है, आदि भैया है लोग, ये लोग भी आरती कर रहे हैं साथ में। ये हमारी दीदी है, सभी लोग एक एक करके आरती किए थे। और देखिए सब झूम के आरती गा रहे हैं, मग्न हो के भगवान में एकदम लीन हो गए हैं सभी लोग। ये हमारी दीदी है, वो दीदी लोग भी आई थी। सभी लोग इस प्रकार से आरती किए और करने के बाद फिर भोजन वगैरह आरंभ हुआ और सब लोग भोजन करना शुरू किए। घर में ही भोजन करवाए थे जो ही आसपास के लोग हैं, जो ही गेस्ट आए थे, अतिथि आए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किया था और घर कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। और बाकी जितने मतलब और भी जो वीडियो है और अच्छे से पूरे घर का मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, टूर कराऊंगी आपको, होम टूर। अभी बहुत सारे कार्य बाकी थे, वो सब काम हो जाने के बाद पूरा फिनिशिंग होने के बाद मैं आपके साथ ज़रूर होम टूर करूंगी। तो ये देखिए यहाँ लोग खा रहे हैं, मतलब भोजन कर रहे हैं, लंच वगैरह कर रहे हैं पूजा होने के बाद, और ब्रेकफास्ट वगैरह सभी लोग कर लिए थे, अभी लंच कर रहे हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इन्जॉय किए होंगे और आप लोग को देखने में बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखिएगा।